नमो नमः, सर्वे भवन्तु सुखिने। बेटा आज हम करेंगे प्रत्यय। आज हम करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है बेटा? जो शब्द धातु के या जो शब्द या धातु के पीछे लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। आज हम कौन सा प्रत्यय करेंगे बेटा? कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। आज हम करेंगे कत्वा प्रत्यय। पहले कर रहे हैं हम कत्वा प्रत्यय। जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो पहली क्रिया के करके अर्थ में करके अर्थ के लिए कत्वा प्रत्यय लगता है। इस प्रत्यय का त्वा शेष बचता है। इसको बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, जब पहली क्रिया समाप्त हो करके दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो पहली क्रिया के करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय लगता है। कत्वा का त्वा शेष बचता है। कत्वा का त्वा शेष बचता है। पहली क्रिया क्या होता है बेटा? पहला काम। जैसे वह खाना खा करके सो गया। खाना खा करके, खाना खाना क्या है बेटा? पहली क्रिया। और सोना क्या है? दूसरी क्रिया। वह खाना खा करके सो गया तो करके अर्थ में कहाँ लगा बेटा? खाना खा करके। तो सह भोजनम खादित्वा, सह भोजनम खादित्वा सो पीती। वह खाना खा करके सो गया। तो पहली क्रिया की समाप्ति के बाद जब दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो पहली क्रिया के करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय लगता है। जैसे हस जमा कत्वा हसित्वा हंसकर, हस जमा कत्वा हसित्वा हंसकर, लिख जमा कत्वा लिखित्वा लिखकर, लिख जमा कत्वा लिखित्वा लिखकर, गम जमा कत्वा गत्वा जाकर या जा करके, गम जमा कत्वा गत्वा जा करके, धाव जमा कत्वा धावित्वा दौड़ करके, दौड़ करके, श्रु जमा कत्वा श्रुत्वा सुन करके या सुन कर, नम जमा कत्वा नत्वा नमस्कार करके, खाद जमा कत्वा खादित्वा खा करके, पठ जमा कत्वा पठित्वा पढ़ करके या पढ़ कर, वद जमा कत्वा उदित्वा, वद जमा कत्वा क्या बनेगा बेटा? उदित्वा, बोल करके, वस जमा कत्वा उषित्वा रह करके, ये भी थोड़ा चेंज होएगा, इसमें भी वह का उ हो जाएगा और इसमें भी वह का उ हो जाएगा, पा जमा कत्वा पित्वा पी करके, तेज जमा कत्वा त्यक्त्वा छोड़ करके, तेज जमा कत्वा त्यक्त्वा छोड़ करके। अगला है बेटा हमारा तुमुन प्रत्यय। अगला है हमारा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा? तुमुन प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ के लिए अर्थ में होता है। जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, तो इसमें ये तुमुन प्रत्यय लगने, तुमुन का क्या शेष बचेगा बेटा? तुमुन का तुम शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? तुम शेष बचेगा। तुम म हलंत, म हलंत, तुम का तुमुन का तुम म हलंत बचेगा। खाद जमा तुमुन खादितुम खाने के लिए, गम जमा तुमुन गंतुम जाने के लिए, हस जमा तुमुन हसितुम हंसने के लिए, श्रु जमा तुमुन श्रोतुम सुनने के लिए, दा जमा तुमुन दातुम देने के लिए, पा जमा तुमुन पातुम पीने के लिए, क्री जमा तुमुन करतुम करने के लिए, नम जमा तुमुन नंतुम नमस्कार के लिए, दृश जमा तुमुन दृष्टुम देखने के लिए, क्रीड जमा तुमुन क्रीडितुम खेलने के लिए, धाव जमा तुमुन धावितुम दौड़ने के लिए। ये हो गए बेटा आपके दो प्रत्यय, कत्वा और तुमुन प्रत्यय। ये आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है। और तुमुन किस प्रकार से याद करना है बेटा? जैसे मान लो मैंने पूछ लिया खादितुम, खादितुम में आप कैसे बताओगे फिर? खाद जमा तुमुन खाने के लिए। मैंने बोल दिया मान लो खादित्वा, इसमें क्या प्रत्यय है बेटा? खाद जमा कत्वा खा करके, और तुमुन लग जाता खाने के लिए। आपने प्रत्यय याद करने हैं बेटा। गॉड ब्लेस यू।